और गाइस दिस इज द 7K मास्टर स्टूडियो में आप बात कर रहा हूँ सेकिरो की स्टोरी के बारे में। एंड गेम खेलने के बाद नाउ आई नो आप लोग इतने कमेंट्स क्यों कर रहे थे अबाउट द स्टोरी। एंड मैंने वाती विद्या एंड डेव कंट्रोल की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है, बट मैं चाहता हूँ कि हिंदी में बस एक ओवरऑल स्टोरी समझाने के लिए बस बना दूँ। सो जिन लोगों को लोर इतना एडवांस में नहीं जाना है बट यू वॉन्टेड टू नो वट हैपन्ड इन द स्टोरी, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। एंड दिस इज़ योर ऑब्वियस स्पॉयलर वार्निंग, अगर आपने अभी तक गेम का एंड नहीं किया है देन कम ऑन गाइस, गेम का एंड करने के बाद इस वीडियो पर आइएगा। एंड विद दैट सेड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो हमारी गेम स्टार्ट होती है जापान के सेनगोकू एरा में, जो कि 1467 CE से लेकर 1615 CE तक चला। सो इस सेनगोकू एरा की स्टार्ट में जापानी शोगुनेट एक तरह से गिर जाती है एंड जापान की सारी क्लैंस अपनी अपनी जगह खुद मॉनिटर करती है। सो यानी कि एक तरह से जापान पूरी क्लैंस में डिवाइड हो जाता है एंड जो जापान का यूनिटी लीडर सिस्टम था वो पूरी तरह से हिल चुका था। तो इस शोगुनेट सिस्टम को वापस लाते जापान में अंतर्युद्ध छिड़ जाता है एंड 16वीं सदी की स्टार्टिंग तक काफ़ी हद तक सिविल वॉर खत्म हो चुकी थी। बचे थे तो सबसे शक्तिशाली क्लैंस। इसी सिविल वॉर में हमारी गेम स्टार्ट होती है। तो 16वीं सदी की स्टार्टिंग में अब एक न्यू शोगुन पावर में आता है एंड उसकी आर्मी को इंटरनल मिनिस्ट्री ट्रूप्स कहते हैं। यहीं ये ट्रूप्स सभी क्लैंस को हराकर बिखरे जापान को यूनाइट करते हैं एंड यहीं ये सेंट्रल ट्रूप्स आशीना क्लैन को भी न्यू शोगुनेट के अंदर लाने में कामयाब रहते हैं। अंटिल की एक ग्रेट वॉरियर इशिन आशीना अपनी क्लैन में तख्ता पलट कर खुद लीडर बन जाता है एंड वो इस इंटरनल मिनिस्ट्री ट्रूप्स के लीडर जनरल तमूरा को हरा कर अपनी क्लैन एंड अपनी टेरिटरी का कंट्रोल अपने अंडर लेता है। सो अब आशीना लैंड्स जापान के शोगुन के अंडर नहीं आती, आशीना लैंड्स का लीडर है इशिन आशीना। नाउ आई एम नॉट श्योर कि गेम में ये बताया है कि नहीं, बट आशीना का बेटा शायद मर चुका था एंड यहीं से अपनी क्लैन की लेगेसी चालू रखने के लिए आशीना एक अनाथ बच्चे गेनिचिरो को एज अ ग्रैंड सन अडॉप्ट करता है। एंड क्योंकि इस वॉर के दौरान काफ़ी घर उजड़ जाते हैं, यहीं एक शिनोबी यूकॉन ज़ाइमोन उर्फ द आउल एक और अनाथ बच्चे को गोद लेता है जिसका नाम वो वुल्फ रखता है। नाउ जापान में किसी दूसरी वेस्ट की कंट्री से डिवाइन रैल्म यानी कि एक टाइप के स्वर्ग से एक डिवाइन ड्रैगन एंड डिवाइन हेरिटेज से लॉर्ड टकेरू आशीना में आते हैं, जो यहाँ आशीना के फाउंटेन हेड पैलेस में एक साकुरा ट्री प्लांट करते हैं जो कि डिवाइन रैल्म में जाने का रास्ता बनती है। एंड ये एवर ब्लॉसम साकुरा ट्री डिवाइन ड्रैगन की ही ट्री फॉर्म है जो अब परमानेंटली फाउंटेन हेड पैलेस में ही रहता है। यहाँ डिवाइन हेरिटेज के लोग इन आवर केस लॉर्ड टकेरू इमोर्टल हैं, यानी कि ये लोग कभी भी नहीं मरते एंड इनके ब्लड से आम लोग भी इमोर्टल हो सकते हैं, बस इनका ब्लड किसी भी नॉर्मल मीन से नहीं निकाला जा सकता। बट अगर ये डिवाइन लोग चाहें तो अपने एक रिचुअल से किसी भी आम इंसान को इमोर्टल बना सकते हैं विदाउट नीड ऑफ ब्लड। अब इस वॉर के 17 साल बाद तक लॉर्ड टकेरू एंड उनकी फाउंटेन हेड पैलेस में रहने वाली एक आम लेडी लेडी टोमोए जो कि टकेरू की एक फॉलोअर बनती है, वो लॉर्ड टकेरू के कहने पर उनकी इमोर्टैलिटी ख़त्म करने की कोशिश करती है, बट इस प्रोसेस में दोनों ही मर जाते हैं। एंड अब तक लॉर्ड टकेरू का सक्सेसर है लॉर्ड कूरो जो कि अभी बच्चा है एंड वो अभी अपनी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्पस से अनजान है। इन 17 सालों तक हुआ ये कि डिवाइन रैलम के जापान में आते जहां ये साकुरा ट्री और ड्रैगन रहता था वहां का पानी काफी पवित्र हो चुका था जिसे पीने से घाव ठीक हो जाते हैं और बुढ़ापा भी कम हो जाता है, यानी कि लोग ज्यादा देर तक जवान रहते हैं। यहाँ के लोग इस वाटर को रिजुविनेटिंग वाटर्स कहने लगे एंड यहीं इशिन आशीना का पर्सनल डॉक्टर एंड ग्रेट इंजीनियर डोगन वो इन रिजुविनेटिंग वाटर्स पर अपनी रिसर्च शुरू करवाता है एंड आम लोगों को इमोर्टल बनाने के बारे में सोचता है। एंड यहीं ये रिसर्च से इमोर्टैलिटी की बात फैल जाती है एंड जहाँ जहाँ ये रिजुविनेटिंग वाटर्स फ्लो करता है लाइक इन सेनपो टेम्पल मिकू विलेज या फाउंटेन हेड पैलेस में जो क्लैन रहती थी वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क आम विलेजर्स वो भी इस वाटर्स में इमोर्टैलिटी ढूंढते हर तरह की रिसर्च करने लगते हैं। एंड इन 17 सालों तक डोगन ने तो अपनी रिसर्च को आग लगा दी एज शायद उसे इस रिजुविनेटिंग वाटर्स की इमोर्टैलिटी किस तरह की होगी ये पता लग गया हो, बट बुद्धिस्ट मॉन्क्स अपनी टीचिंग से दूर जाते गए एंड इस इमोर्टैलिटी के चक्कर में करप्ट हो गए एंड नाउ मॉन्क्स नॉर्मल मिकू विलेजर्स एंड फाउंटेन हेड पैलेस में रहने वाली ओकामी क्लैन इन लोगों ने अपनी रिसर्च चालू रखी
एंड ये लोग इमोर्टैलिटी के चक्कर में इतने पागल हो गए कि इन्होंने लॉर्ड कुरो जैसा ही अपना एक फेक डिवाइन चाइल्ड बनाने के बारे में भी सोचा, जिसमें न जाने कितने मासूम बच्चों को इन्होंने डिवाइन चाइल्ड बनाने के चक्कर में मार दिया। एंड अनगिनत और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली ये लोग इमोर्टैलिटी तो हासिल कर लेते हैं, बट इट इज़ अ फेक इमोर्टैलिटी। लाइक जो इमोर्टैलिटी इन्होंने डिस्कवर की वो इन्हें डिवाइन हेरिटेज की तरह इमोर्टल नहीं बनाती। एंड इनकी इमोर्टैलिटी में इनके शरीर के अंदर कन खजूरे या अदर वॉर्म्स जन्म लेते हैं, जिससे यस ये लोग इमोर्टल तो हो जाते हैं बट इन वॉर्म्स के कारण अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। कुछ लोग इस तरह से इमोर्टल हुए कि उन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरों लोगों को खाना पड़ता है। सो ये रिजुविनेटिंग वाटर से कोई भी परफेक्टली इमोर्टैलिटी हासिल नहीं कर पाता इवन आफ्टर 17 ईयर्स। बट ऑन दी अदर हैंड ये लोग अपना मैन मेड डिवाइन हेरिटेज बनाते एंड तक सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड एक्चुअल में एक फेक डिवाइन चाइल्ड बना लेते हैं। एंड हजारों बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद सिर्फ यही एक बच्ची जिंदा बच पाई। एंड शायद इसी वजह से लॉर्ड टकेरू अपनी डिवाइन हेरिटेज खत्म करना चाहते थे थ्रू लेडी टोमोए, बट एज यू नो लेडी टोमोए इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई एज उनके पास वो जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं थी। एंड अब लॉर्ड कुरो अकेले रह जाते हैं। सो नाउ यहाँ जो डिवाइन हेरिटेज ब्लड वाली इमोर्टैलिटी है उसमें भी एक कैच है, बट रिजुविनेटिंग वाटर जितना बड़ा नहीं। सो अगर कोई डिवाइन हेयर या उसके ब्लड से इमोर्टल हुआ बंदा अगर वो बार बार मरता रहता है तो उसकी इमोर्टैलिटी ओवरफ्लो करने लगती है एंड एक डिजीज नोन एज ड्रैगन रॉट ये आम लोगों में फैलने लगती है। एज इमोर्टल बींग्स को जिंदा रहने के लिए आम लोगों की पावर लेनी पड़ती है, मेकिंग मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सिक एंड इसी बीमारी से आम लोग मासिस में मरने लगते हैं। सो टू रिकैप ऑल दिस, रिजुविनेटिंग वाटर्स इज इक्वल टू हाफ इमोर्टैलिटी यानी कि बेकार इमोर्टैलिटी, बट ऑन दी अदर हैंड डिवाइन हेरिटेज की इमोर्टैलिटी इज इक्वल टू ड्रैगन रॉट जिससे डिजीज फैलने लगती है अगर आपकी इमोर्टैलिटी ओवरफ्लो कर दे तो। नाउ द ग्रेट शिनोबी आउल अपने अडोप्टेड बेटे वुल्फ को भी एक महान शिनोबी बनाता है एंड उसे अपने शिनोबी कोड के बारे में बताता है, जहाँ सबसे पहले एक शिनोबी अपने पिता की सुनता है फिर अपने मास्टर की। एंड यहीं आउल वुल्फ को लॉर्ड कुरो को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देता है, जिस पर ऑब्वियसली बहुत खतरा मंडरा रहा था एज एवरीवन वांटेड कुरोस ब्लड। एंड इसमें आउल का भी अपना हिडन मोटिव था जो अभी वो रिवील नहीं करता। एंड यहाँ लोग कुरो के ब्लड के पीछे इसलिए पड़े हैं बिकॉज कुरो सिंपली किसी के कहने से उसे इमोर्टल नहीं बना देगा, एज कुरो इंसान की सभी कैपेबिलिटीज चेक करता है। एंड सिर्फ इसी रीजन से इमोर्टैलिटी के चक्कर में पागल हुए लोग जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो अब वो कुरो को मारकर खुद ही उसके ब्लड से इमोर्टल होना चाहते हैं। एंड ये उनका इमोर्टैलिटी का लास्ट रिजॉर्ट है। नाउ आशिना की हिराटा इस्टेट में यहाँ के समुराई इंटरनल मिनिस्ट्री ट्रूप से लड़ने चले गए एंड पीछे से कुछ चोर डाकू लोग यहाँ पर अटैक कर देते हैं। एंड इसी अटैक में आउल वुल्फ के पिता अपनी डेथ फेक करते हैं, एस आउल भी अब कुरो को मारकर इमोर्टल बनना चाहता है, इसके लिए वो अपनी प्लानिंग करता है। नाउ हमारा शिनोबी लॉर्ड कुरो को अपनी ही मेंटोर लेडी बटरफ्लाई के इल्यूजन से बचाता है, बट वुल्फ के पिता आउल हमारे शिनोबी को मार देते हैं। लॉर्ड कुरो यहाँ उसके प्रति इतनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वुल्फ को अपनी मर्जी से इमोर्टल बना देते हैं एंड वुल्फ 3 साल तक इनएक्टिव रहते लॉर्ड कुरो वुल्फ को याद करते हैं एंड यहीं से हमारी गेम शुरू होती है। सुनाओ हमारा पहला मिशन था कि लॉर्ड कुरो को आशिना से निकालना, बट आशिना के बॉर्डर तक पहुंचते ही गेनिचिरो वुल्फ का हाथ काट देता है एंड लॉर्ड कुरो को आशिना कार्सल में ले जाता है। एंड अब पिछली वॉर के 20 साल बाद शोगुन की फोर्सेस आशिना को रिक्लेम करने के लिए फिर से अटैक करने वाली हैं एंड इस बार आशिना शोगुन की फोर्सेस को नहीं हरा पाएगी बिकॉज एक तो इशिन आशिना बहुत बूढ़े हो चुके हैं एंड सेकंड अब तक शोगुन की आर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। सो गेनिचिरो चाहता है कि कुरो उसे अपनी विल से इमोर्टल बना दे ताकि वो आशिना को डिफेंड कर पाए, बट कुरो उसे समझाता है कि ये इमोर्टैलिटी इतनी आसान नहीं है एंड ही फियर्स कि गेनिचिरो कहीं शूरा ना बन जाए। सो शूरा बेसिकली जैपनीज बिलीव है कि एक इंसान लोगों को मारना इतना इन्जॉय करने लगता है कि ही बिकेम्स प्योर ईवल एंड शूरा लिव्स टू किल। एंड नाउ क्योंकि हमारा शिनोबी इमोर्टल है सो एक स्कल्पचर हमारी टूटी आर्म बदलकर एक प्रोस्थेटिक आर्म लगा देता है एंड ये आर्म डोगुन ने ही बनाई थी। सो नई प्रोस्थेटिक आर्म के साथ हम लोग सबको काट देते हैं जो भी हमारे रास्ते में आते हैं एंड लॉर्ड कुरो तक पहुँचते इस बार हम गेनिचिरो को हरा देते हैं। अब यहाँ रिवील होता है कि गेनिचिरो आशिना को बचाने के लिए उसने भी रिजुविनेटिंग वाटरवेज की इमोर्टैलिटी हासिल कर ली, सो यानी कि अब वो कोट एन कोट हाफ इमोर्टल है एंड गेनिचिरो यहाँ सेकिरो से हारने के बाद यहाँ से चला जाता है। नाउ लॉर्ड कुरो भी समझ जाते हैं कि ये इमोर्टैलिटी ही सब चीज़ों की जड़ है एंड वो लॉर्ड टकेरू की ही तरह अपनी इमोर्टैलिटी को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं एंड इसके लिए वो हमें मॉर्टल ब्लेड ढूंढने के लिए कहते हैं,
जिससे इमोर्टल लोगों को मारा जा सकता है। सो हमारा सकीरो ये मॉर्टल ब्लेड ढूंढता है, लेकिन यहाँ मॉर्टल ब्लेड पर कर्स है कि जो भी उसे उठाएगा वो मर जाएगा। सो सकीरो मॉर्टल ब्लेड को उठाते ही मर जाता है, बट एज यू नो सकीरो इज इमोर्टल, सो वो फिर से उठकर इस मॉर्टल ब्लेड को एक्सेप्ट करता है। एंड यहीं सेनपो टेम्पल में सकीरो उस फेक डिवाइन चाइल्ड से मिलता है। एंड इवन दो इस चाइल्ड का डिवाइन हेरिटेज मैन मेड है, बट स्टिल वो काफ़ी नॉलेजफुल है। नाउ व्हाइट फ्लावर के साथ जब हम कुरो के पास वापस पहुंचते हैं, देन वी मीट अवर फादर। एंड इस पॉइंट तक सकीरो को ये नहीं पता कि 3 साल पहले आउल ने ही उसे मारा। एंड यहाँ सकीरो की 4 एंडिंग में से पहली एंडिंग शुरू होती है। सो एज यू नो आउल भी इमोर्टल बनना चाहता था, एंड वो हमें हमारे आयरन कोड के चलते उसकी इमोर्टल बनने की क्वेस्ट में हमें हेल्प करने को कहता है। एंड यहाँ शूरा एंडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप आउल की मदद करते हैं तो सकीरो बिकम्स सो ऑब्सेस्ड विद किलिंग्स एंड सकीरो किल्स एमा एंड ईशिन। एंड इस एंडिंग में आउल भी अब तक गेनिचिरो को मार देता है। एंड लास्ट में सकीरो अपने पिता को भी मार कर शूरा आइडियोलॉजी को अपनाता है। एंड बिकॉज उसके पिता ने गेनिचिरो को मार दिया तो ब्लैक मॉर्टल ब्लेड भी आउल के पास ही था। एंड विद द बोथ मॉर्टल ब्लेड्स इन द हैंड ऑफ इमोर्टल सकीरो, कोई भी अब उसे नहीं मार सकता। एंड लॉर्ड कुरो भी अपनी गलती एक्नॉलेज करते हैं कि उसने गलत बंदे को इमोर्टल बना दिया। एंड वुल्फ हजारों की संख्या में लोगों को मारकर अपनी किलिंग हंगर पूरा करता है। So, ये हमारी पहली एंडिंग थी। बट अगर आप आउल का आयरन कोड फॉलो नहीं करते, देन अवर सकीरो अपने फादर का इमोर्टैलिटी लेने का प्लान समझ जाता है। एंड लॉर्ड कुरो को बचाने के लिए वी किल अवर फादर द ग्रेट शिनोबी आउल। एंड अब लॉर्ड कुरो बताते हैं कि हमें फाउंटेन हेड पैलेस से डिवाइन रैलम में जाते इमोर्टैलिटी खत्म करने के लिए डिवाइन ड्रैगन के टीयर्स लाने पड़ेंगे। एंड फाउंटेन हेड पैलेस को अनलॉक करते इस डिवाइन ट्री से डिवाइन रैलम में ड्रैगन को हराकर डिवाइन ड्रैगन के टीयर्स ले आते हैं। एंड अब तक आशिना कार्सल पर शोगुन ट्रूप्स की इन्वेजन फुल स्केल तक पहुंच चुकी है। एंड गेनिचिरो अपने ग्रैंडफादर इशिन आशिना को, जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं, इशिन गेनिचिरो को लॉर्ड कुरो को ना हरास करने के लिए एंड इन्वेजन को रोकने के लिए न्यू वे सोचने के लिए कहते हैं, जिसके लिए गेनिचिरो एक और मॉर्टल ब्लेड, जिसे इस गेम में ब्लैक मॉर्टल ब्लेड कहते हैं, वो ढूंढता है। एंड नाउ गेनिचिरो अपने अनरिवील्ड प्लान के अकॉर्डिंग इशिन को मार देता है, जिसमें एमा बताती है कि इशिन अपनी इलनेस के कारण मर गए। एंड लॉर्ड कुरो आशिना बॉर्डर पर हमारा वेट कर रहे हैं। नाउ फाइनली आशिना बॉर्डर पर पहुंचकर यहां गेनिचिरो लॉर्ड कुरो को इंजर कर देता है विद ब्लैक मॉर्टल ब्लेड। सो अब तक आपको पता लग गया होगा यहां डिवाइन ब्लड निकालने के लिए 2 मॉर्टल ब्लेड थे, एक को उठाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। एंड इसी लॉजिक के साथ शायद सेकेंड ब्लेड को उठाने के लिए किसी और की जान देनी पड़ी होगी। एंड गेनिचिरो कुरो पर इसलिए हमला करता है बिकॉज नाउ ब्लैक मॉर्टल ब्लेड पर डिवाइन ब्लड लग चुका है। एंड ब्लैक मॉर्टल ब्लेड की पावर है कि आप किसी को भी अंडरवर्ल्ड से जिंदा कर सकते हैं। एंड यहीं जहां हमारी सबसे पहली फाइट हुई थी, जहां गेनिचिरो ने हमें हरा दिया था, इस बार वुल्फ गेनिचिरो को हरा देता है, जिससे गेनिचिरो अपने प्लान के अकॉर्डिंग आशिना को बचाने के लिए खुद को ब्लैक मॉर्टल ब्लेड से अपने आप को कुर्बान करते सभी रिचुअल्स के साथ अंडरवर्ल्ड से अपने ग्रैंडफादर इशिन आशिना को यंग फॉर्म में रिवाइव कर देता है, जो कि गेनिचिरो की बॉडी से ही जन्म लेते हैं। एंड इशिन एंड सकीरो की फाइट में सकीरो मॉर्टल ब्लेड से इशिन को हरा देता है। एंड यहाँ इशिन आशिना वो अपनी क्लैन को शोगुन के ट्रूप से नहीं बचा पाया, ये वो एक्सेप्ट करता है एंड सकीरो के हाथों मर जाता है। नाउ अब यहाँ से 3 एंडिंग्स और हैं, डिपेंड करता है आपने इस गेम में सब रेलिक्स को कलेक्ट किया या नहीं। तो फर्स्ट नॉर्मल गुड एंडिंग, जो कि मेजोरिटी ऑफ लोगों ने की होगी, जिसमें सकीरो मॉर्टल ब्लेड से कुरो को मार देता है, एंडिंग हिज डिवाइन हेरिटेज एंड दिस इमॉर्टल ब्लड साइकिल। एंड फिर सकीरो उसी स्कल्पचर की तरह लकड़ी के बुद्धा काव करता है, वेटिंग फॉर समवन जिसे वो ये प्रोस्थेटिक आर्म दे सके। नाउ सेकंड प्योरिफिकेशन एंडिंग के अकॉर्डिंग सकीरो एवर ब्लॉसम ट्री के साथ मॉर्टल ब्लेड से अपने आप को कुर्बान करते अपनी इमोर्टैलिटी के साथ कुरो का डिवाइन हेरिटेज भी खत्म कर देता है, लेकिन कुरो को सेक्रीफाइस किए बिना। सो सकीरो खुद मर जाता है बट कुरो लिव्स एंड कुरो लिव्स एज अ ह्यूमन।
दिस। एंड यहीं से कुरो अपने शिनोबी का सेक्रीफाइस एक्नॉलेज करता है एंड अपनी पूरी जिंदगी शिनोबी के लिए अच्छे से जिएगा यह प्रॉमिस करता है। सो ये वो एंडिंग थी जो लॉर्ड टेकेरू लेडी टमोए को करने के लिए कह रहे थे, बट तब उनके पास सही रेलिक्स ना होने के कारण वो ये एंडिंग अचीव नहीं कर पाए थे। नाउ थर्ड और टेक्निकली फोर्थ एंडिंग, द होम कमिंग एंडिंग, जिसमें सेकिरो अपने मास्टर को उठाकर उस डिवाइन चाइल्ड ऑफ रिजुविनेटिंग वाटर्स के पास ले जाता है, जहाँ ये दोनों चाइल्ड्स मर्ज हो जाते हैं एंड अब दोनों डिवाइन ड्रैगन की पावर को वेस्ट में जहाँ से ये लोग आए थे वहाँ पे जाकर ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया से ही इमोर्टैलिटी खत्म करते हैं, जिसमें सेकिरो अभी भी उन्हें वेस्ट के सफर पर इनके साथ जाता है। अरिगातो, ल्यू नो शिनोबियो, कुरो दोनो मो योरोकोंदे ओरिमास। माइरिमाशो। निशि नी, कामी नारु ल्यू नो कोक्यो नी। So yeah guys, that's it from this video and hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। If you did, don't forget to leave a like and ये वीडियो अपने Sekiro friends के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये स्टोरी ना पता हो। With that said, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, see you।